पश्चिम बंगाल में 80-20 का फॉर्मूला पुराना है। इस फॉर्मूले के तहत माल जुटाने वाले के हिस्से 20% आता है और बाकी का ऊपर चला जाता है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर ठेका देने, नौकरियां देने के बदले लाभार्थियों को माल खर्च करना पड़ता है और वही नीचे से ऊपर तक बढ़ता है। पार्थ चटर्जी ने इसी वजह से कहा था कि जो माल पकड़ा गया है वो तो एक अंश है, बाकी तो वो ले गए। वो से पार्थ का सीधा मतलब पार्टी से था। पार्थ ने इसी वजह से कहा कि ममता बनर्जी को भी सब पता था और पार्टी के बड़े नेताओं और मंत्रियों को भी। अपने हिस्से का माल पार्थ चटर्जी अर्पिता मुखर्जी के नाम पर इन्वेस्ट करता था। ईडी की जांच से पता चला है कि पार्थ के रुपयों से अर्पिता मुखर्जी ने 18 प्रॉपर्टी बनाई थी। इनमें से एक में दोनों पार्टनर हैं। ईडी ने अब इस बात का खुलासा कर दिया कि दोनों के बीच प्रत्यक्ष तौर पर वित्तीय संबंध थे। सूत्रों का कहना है कि अर्पिता मुखर्जी ने यह स्वीकार करने से इनकार किया कि उनके अपार्टमेंट से बरामद पैसा उनका है, लेकिन उन्होंने घोटाले की काली कमाई से साल 2011 से 2022 के बीच 18 संपत्तियां खरीदी हैं। सूत्रों का कहना है कि अर्पिता मुखर्जी द्वारा खरीदी गई संपत्तियों में से एक में पार्थ चटर्जी सह खरीदार हैं। यह बीरभूम में लगभग 7300 वर्ग फुट की भूमि का एक टुकड़ा है जिसे साल 2012 में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ने मिलकर खरीदा था। प्रवर्तन निदेशालय अर्पिता मुखर्जी के दो घरों पर छापेमारी की है। दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज में मुखर्जी के डायमंड सिटी घर पर छापेमारी के दौरान भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में 20 करोड़ रुपए नकद और 2 किलोग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए थे। अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित बेलघरिया के एक घर से 27 करोड़ 90 लाख रुपए नकद और 6 किलोग्राम सोना ईडी ने बरामद किया था। हालांकि उन्होंने ईडी को बताया कि उनके अपार्टमेंट में रखा पैसा उनका नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में यह पैसा रखा गया था। ईडी ने पहले कोलकाता में उसके घरों से 50 करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद किया था। 2 अगस्त 2022 को अर्पिता के बयानों के बाद ईडी ने कोलकाता में उनके अन्य परिसरों पर फिर से छापेमारी की। ईडी की छापेमारी में यह पाया गया कि पार्थ चटर्जी के पास बड़ी संख्या में फ्लैट है, जिनमें से कई उन्होंने अर्पिता मुखर्जी और मोनालिसा दास सहित अपने करीबी सहयोगियों को उपहार में दिए हैं। इससे पहले अर्पिता ने ईडी को बताया था कि पार्थ चटर्जी ने उनके फ्लैट का इस्तेमाल मिनी बैंक के तौर पर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।